अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ट्राइफल। सबसे पहले हम कस्टर्ड बना लेंगे। एक पैन में हम आधा लीटर दूध को गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पे। जब तक दूध बॉईल हो जाए, हम एक दूसरे कप में हाफ कप मिल्क लेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। नेक्स्ट हम आधा कप चीनी लेंगे और दूध में डाल लेंगे। दूध गर्म हो रहा है, दूध को बीच बीच में चलाते रहें और जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तब हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर लेंगे। दूध अब बॉईल होने लगा है, अब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर रही हूँ। याद रखिए, आपको स्पून चलाते रहना है या फिर इसमें लम्स आ जाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद स्टोव को बंद कर दें। आप देख सकते हैं ये थिक हो गया है, इसे आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1 कप स्ट्रॉबेरीज और 2 टेबलस्पून चीनी ली है। आप स्ट्रॉबेरीज की जगह दूसरे फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसकी जगह आप मैंगो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मैंगो यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टेप को आप स्किप कर लें। स्ट्रॉबेरी सावर होते हैं, इसलिए मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और ये मैं मिक्स करके रख लूँगी। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए 300 ml फुल क्रीम, 1 teaspoon वेनिला एसेंस, 2 tablespoon मिल्क पाउडर और 3 tablespoon शुगर। इन सारी चीज़ों को हम एक बोल में ऐड करेंगे और ऐसे हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। इसे पहले लो स्पीड पर मिक्स करें, फिर इसकी स्पीड बढ़ा दें। क्रीम के स्टफ पीक्स बनने तक इसे मिक्स करते रहें। ये देखिए, ये थिक हो गया है। अब इसे फ्रिज में चिल होने के लिए रख दें। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने ये केक लिया है। ये बेकरी का स्पॉन्ज केक है, प्लेन स्पॉन्ज केक। मैं इसके छोटे से स्लाइसेस कट कर लूँगी। अब बारी आती है इन सारी चीज़ों को लेयर करने की। मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट कप्स हैं, आपके पास कोई बोल हैं तो वो उसका इस्तेमाल करें। और मैं क्रीम को भी एक पाइपिंग बैग में ऐड कर रही हूँ। अब मैं बोल्स में फर्स्ट स्ट्रॉबेरीज ऐड करूँगी, इसके बाद मैं छोटे पीसेस केक के ऐड करूँगी और फिर आती है कस्टर्ड की बारी। कस्टर्ड ऐड कर लेते हैं। कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसमें 1 स्पून स्ट्रॉबेरी का फिर से ऐड करेंगे। इसके बाद एक पाइपिंग बैग की मदद से हम इसमें क्रीम के स्वर्ल्स ऐड करेंगे। आप किसी भी तरह का डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बेसिक सा ये स्टार नोजल यूज़ किया है।
ये देखिए हमारा कस्टर्ड ट्राइफल बनकर रेडी हो गया है। इसे ठंडा सर्व करें। मैंने इसे स्ट्रॉबेरीज के साथ टॉप किया है। बहुत इजी और मज़ेदार रेसिपी है। होप आपको ये पसंद आए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।